दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए, तो किस तरह का अप्लाई कर पाएंगे। ये जुलाई 2019 का ये जो अप्लाई का रिक्वायरमेंट था ये आ चुका है, किस तरह आप कर पाएंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बिना CSE का आप किस तरह कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ तो चलिए आपको बताएंगे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए जुलाई 2019 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश फिर से करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जवाहर नवोदय विद्यालय के, यहाँ से आप कर पाएंगे, यहाँ से बिना CSE का बिना वसुधा केंद्र के आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जिसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन मांगेगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे पास लॉगिन में ना रजिस्ट्रेशन नंबर है ना पासवर्ड है, तो ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कैंडिडेट क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रेस 1, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा 2020-21 सेशन के लिए क्लास सिक्स के एडमिशन के लिए। यहाँ भी पूछ रहा है सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इन स्टडिंग इन क्लास फाइव, स्टूडेंट किस स्टेट में क्लास फाइव का पढ़ाई किया है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी राज्य आपका हो जिस राज्य में क्या वो सिलेक्ट करेंगे, उसके यहाँ से किस जिले में कैंडिडेट पढ़ाई किया क्लास फाइव में वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उस ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा जिस ब्लॉक के अंतर्गत वो पढ़ाई किए, उसका जिस स्कूल में पढ़ाई किया यहाँ पे स्कूल का नाम देना है क्लास फाइव में। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट में। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है, ये हमारा कैप्चर जो है इसमें बॉक्स में इंटर कर देना है। सभी को कैप्चर अलग अलग मिलेगा, कैप्चर देने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका प्रेस वन कंप्लीट हो जाएगा, प्रेस वन कंप्लीट हो जाएगा। उसके प्रेस दो आपको करना है, तो आपके मोबाइल पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ चुका है। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल चुका होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चर इंटर करना है, कैप्चर इंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड कैप्चर इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका पासवर्ड जो होगा आपका, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देना, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का सेंटर, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लॉग आउट मांग रहा है, यहाँ पे हमारा नाम है जिसका अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेस वन तो मेरा रजिस्ट्रेशन था, प्रेस वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये प्रेस टू है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर प्रेस टू पे क्लिक करेंगे। प्रेस टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने डिटेल दिया था वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर का नेम और फादर का नेम देना है, उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन ये आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप ये विथ गार्जियन ये भी आप छोड़ दीजिए, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल इंडियन सेलेक्ट रहता हो, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे तिल वगैरह कोई है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी जो भी जात के आप है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस शादी या हुआ या ना हुआ, मैरिड या अनमैरिड, तो जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद रिलीजन किस धर्म के हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस भी धर्म के होंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना है, आधार नंबर जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते क्योंकि स्टार इसमें नहीं लगा। यहाँ पे एनुअल इनकम फॉर पेरेंट, पिता के पेरेंट जो है उनके साल में होने वाले इनकम जितने वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज, जो भी एग्जाम लैंग्वेज में आप परीक्षा देना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना पूरा एड्रेस इंटर कर देंगे, एड्रेस पिन कोड फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद ये सारा चीज़ अपलोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना होगा जिसकी KB 100 KB से 100 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको
सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा 5 क्लास का। ये सारा चीज़ आपको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू स्कूल डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे स्कूल का डिटेल देना है, जिस भी स्कूल यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 सारा 3 क्लास का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देना है, कौन सा स्टेट, कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक में या कौन सा विलेज, कौन सा स्कूल, और यहाँ पे पूरा देना स्कूल की एरिया, रूलर, कब ज्वाइनिंग लिए थे, कब वो आप क्लास 3 में आए थे, कब पास हुए, वो आपको देना है। उसी तरह 4 का भी डिटेल देना, उसी तरह आपको 5 का भी डिटेल यहाँ पे दे देना है। पूरा डिटेल देने के बाद आपको इसमें भी सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट डिटेल। तो यहाँ पे मैंने अभी कोई चीज़ फिलअप नहीं किया हूँ तो इसलिए लेख खाली आ रहा है। तो यहाँ पे आपके द्वारा भरा गया सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप मिलान कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क का लगाना है, सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट पेरेंट्स गार्जियन, इसमें टिक लगा के आपको ये कैप्चर जो इस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रिंट आउट होगा उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, जो प्रिंट मिलेगा रसीद मिलेगा उसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो आपका अप्लाई हो चुका है क्लास 6 में एडमिशन एग्जाम में बैठने के लिए, आप अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, तो एडमिट कार्ड किस तरह प्रिंट कर पाएंगे जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्जाम दे करके पास करके आप नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो फिर से गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जीशान मॉनिटर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख पाए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा।